नमस्ते। नमस्ते, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री सुंदर सिंह मनवाल। सुंदर सिंह मनवाल जी, गाँव ये है बनाली। बनाली, कितने परिवार यहाँ रहते हैं? यहाँ पर हैं 450 परिवार। 450 परिवार। खेती आजकल तो गेहूँ कट गया, गेहूँ जो कट गया अब तो किसने अदरक लग गया और आलू लगा हुआ है। आलू एक दो महीने डेढ़ महीने बाद निकल जाएगा, उसके बाद फिर मटर की बुआई होगी, बीन की बुआई होगी और ये लहसुन वगैरह लगेगा फिर, इसलिए। हाँ, जानवर कितने हैं? जानवर मेरे पास एक भैंस है, एक बछड़ी है। कितना दूध देती है भैंस? भैंस अभी बहने को है, हमारे स्रोत का पानी ज़्यादा हमारा पहले। हाँ, कितने स्रोत हैं यहाँ पे? स्रोत तो जगह जगह हैं, दो तीन स्रोत यहाँ पर हैं, फिर इसके रास्ते के नीचे तकरीबन सारे स्रोत हैं। ऊपर दिक्कत थी पहले, ये यहीं जड़ों का पानी है, यहीं पे आते हैं पानी के, लेकिन अब पंपिंग वाला पानी आ गया। हाँ, एक घंटा आता है, एक डेढ़ घंटा। जाखन आपके यहीं से निकल रही है? हाँ, जाखन यहीं से निकल रही है, यहीं से शुरू हो गई है। हाँ, जाखन यहीं से शुरू हो गई। हाँ, नीचे मिलती है बहुत। नमस्कार, गाँव का घर? उत्खंडा। उत्खंडा, उत्खंडा। शांति प्रसाद कोठिया। शांति प्रसाद, जजमानी में आ रखे हैं आप? जजमानी में है। कितनी जजमानी है? हाँ, ठीक ही है, बस होगा गुजारा थोड़ा बहुत। क्या नाम है? सर मेरा नाम नरेंद्र सिंह मनवाल, ग्राम बनाली, पोस्ट ऑफिस बनाली, जिला टिहरी गढ़वाल। पहले करता था, बॉम्बे था, 5-6 साल बॉम्बे रहा, 7-8 साल मतलब, उसके बाद चंडीगढ़ रहा 4-5 साल, फिर से घर, तब से घर। लॉकडाउन से, कोरोना में, कोरोना काल से तब से घर। लॉकडाउन में आगे घर? हाँ जी, तब से घर ही। काजल, हाँ जी, क्या कर रही थी? कुछ नहीं करते अभी तो। शादी हो गई ना? हाँ जी। ससुराल है आपकी? मायका है। ये मायका है? हाँ जी। ओबरा, इसमें देखो भैंस बंदी है ना, तो ये ओबरा है, तो ऐसा ही परिवेश होता है, छोटे दरवाजे, ओबरा, और ये बाहर जब जानवरों को बांधते हैं तो जानवरों को बांधने के लिए ये इन्होंने खूंटा बनाया है। और देखो, एक बीच में डंडा डाला, खूंटा डाला, और यहाँ पे जानवर बाहर बनते हैं। और ये गोबर खाद मैन्योर जो होती है, जो अपना खेत में डालेंगे लोग, ये तो जानवरों की गोबर और साथ में जो पत्तियाँ हैं उन पत्तियों को बना के कंपोस्ट, एक बहुत अच्छी कंपोस्ट तैयार हो गई है। और ये खाद है, ये अच्छे भरे हरे भरे खेत हैं। अभी आलू मटर बो रखा है, उस टाइम पे आलू मटर होगा। आलू मटर यहाँ का बड़ा फेमस है, गेहूं की कटाई बहुत अच्छा है, गेहूँ की कटाई हो चुकी है। पुरेलडा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये झंडा सा, इसके ऊपर ही घास, तो ये पुरेलडा, यहाँ पहाड़ी भाषा में पुरेलडा है। ये बड़ा सुरक्षित, एक लोकल जिसे बोलते हैं लोक ज्ञान, लोक विज्ञान का एक बहुत अच्छा नमूना है। ये बरसात में सड़ेगा नहीं और जब गलेगा नहीं, और जब बर्फ़ पड़ती है तो फिर ये चारे का काम आता है। ये इसका एक है, और तो ये लोगों ने अपना रहना जीना खाना सीखा है कैसे होता है। नाम क्या है? राजेश। कितना खच्चर है तुम्हारे पास? दो खच्चर। कितना आजकल कमाई हो जाती है? रोज का? चलो ठीक है। तो दोस्तों, बनाली गांव आया था यार, अब ये लोग मिल गए, मनवाल लोग। अरे पंडित जी हैं कोठियाल जी, उत्खंडा के, और पूजा करने आए थे, इनके बदौलत हमें भी ये रोड खाने को मिल गया। तो रोड खा रहा था, ये नागरदा का रोड है भाई, सब जगह मुखियम सीधा बांधल बल्ली सौंकी पल्ली, ये चार नदियाँ, ये जो है सुरकंडा से ही उद्गम है इनका, इस साइड से। ठीक, तो यदि बांधल और बल्ली सौंग और तिपल्ली चारों एक रूप पे चली। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब यहाँ से चलते हैं दूसरे गांव में, वहाँ आपको घुमाएंगे, लोगों से भी मिलाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए घुमक्कड़ चलता। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं कहीं और।